क्या एमपी में मोहन सरकार का बुलडोजर अपराधियों का मजहब देखकर चलता है? बीते 8 माह में हुई कार्रवाइयों का ब्यौरा बताता हूं। अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद हर बार सियासत का सबब बनने वाला बुलडोजर क्या वाकई सेकुलर है? अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद हर बार सियासत का सबब बनने वाला बुलडोजर क्या वाकई सेकुलर है? क्या एमपी में मोहन सरकार का बुलडोजर अपराधियों का मजहब देखकर चलता है? आइए इसकी पड़ताल सबसे पहले मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में आंकड़ों के जरिए करते हैं। आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक यानी बीते 8 माह में हुई कार्रवाइयों का ब्यौरा बताता हूँ। इस दौरान महाकौशल अंचल यानी जबलपुर संभाग में कुल 20 बुलडोजर एक्शन हुए। इनमें अपराध तो सबके बेहद गंभीर थे, लेकिन सभी आरोपी मुस्लिम नहीं थे। महाकौशल अंचल में सबसे बड़ी कार्रवाई मंडला जिले के भैंसवाही में हुई। यहां एक नहीं 15 आरोपियों के मकान बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। ये सभी आरोपी मुस्लिम समाज के थे, जो अपने घरों में गौवंश के कत्लखाने चला रहे थे। जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी तो उनके घरों से गौवंश का मांस बरामद हुआ था। हालांकि वैधानिक धाराओं में इस मामले पर सभी 15 आरोपियों पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन उनके मकान एक के बाद एक इसलिए भी जमींदोज किए गए क्योंकि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। खुद आरोपियों के परिजनों को छोड़ दिया जाए तो इलाके के किसी भी शख्स ने इस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि लोगों ने इस कड़ी कार्रवाई को जायज ठहराया। महाकौशल में दूसरी बड़ी कार्रवाई सिवनी जिले में हुई, जहां गौवंश की तस्करी कर उनकी हत्या कर देने और उनके शव दंगा फैलाने की नीयत से सार्वजनिक तौर पर खुले में फेंक देने वाले आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां शादाब खान और वाहिद खान नाम के 2 आरोपियों के मकान जमींदोज कर दिए गए। बुलडोजर कार्रवाई में गिराए गए ये मकान भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए थे। बात महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर की करें तो यहाँ जानमाल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले आरोपी मोहम्मद शमीम के खिलाफ बुलडोजर गर्जा। मोहम्मद शमीम का जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास में एक कबाड़खाना था, जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वो बम मौजूद थे जो सेना के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें यहाँ अवैध तौर पर रखकर बेचने का काम चल रहा था। इन्हीं बमों में विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस मामले पर आरोपी मोहम्मद शमीम का कारखाना, कबाड़खाना और उसका एक घर जमींदोज कर दिया गया। जो मकान जमींदोज हुआ वो भी अवैध रूप से बिना अनुमति लिए बनाया गया था। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी मोहन सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। यहाँ एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद नफीस का अवैध मकान बुलडोजर कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। लेकिन वो कार्रवाई भी सुनिए जो बुलडोजर के सांप्रदायिक होने के तमाम आरोपों को धो देती है। ये कार्रवाई महाकौशल के बालाघाट जिले में हुई। यहाँ निखिल बघेल नाम के एक आरोपी का घर बुलडोजर कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। उस पर आरोप था कि उसने एकतरफा प्यार में एक नाबालिग युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। उसका मकान जांच में अवैध पाया गया। ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हुई और मकान जमींदोज कर दिया गया। इस तरह अगर देखें तो महाकौशल अंचल में बीते 8 माह में जो 20 कार्रवाइयां हुई, उनमें से 19 मामलों में आरोपी मुस्लिम थे, जबकि 1 आरोपी हिंदू था। मतलब साफ है कि बुलडोजर आरोपी का मजहब देखकर नहीं चलता। अगर उसने गलत किया है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। एक गंभीर बात यह भी है कि जो आरोपी हैं उन्हें अक्सर अपराधी जो हैं उन्हें अक्सर कानून का खौफ नहीं होता है। वो नियम प्रावधानों को धता पता कर अवैध तौर पर मकानों का निर्माण कर लेते हैं। इसे संयोग माना जाए या एक अपराध का पैटर्न कि जो गंभीर अपराधी हैं उनके मकानों की जब जाँच की जाती है तो वो बिना अनुमति अवैध तौर पर बनाए गए पाए जाते हैं। हालांकि ये सभी मामलों में होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाकौशल अंचल में जो 20 कार्रवाई हुई उनमें से 19 मुस्लिम आरोपी और 1 हिंदू आरोपी का मकान अवैध पाया गया और बुलडोजर कार्रवाई में उसे
जमींदोज कर दिया गया। लिहाजा आंकड़े कहते हैं कि ये कतई नहीं कहा जा सकता कि मोहन सरकार का बुलडोजर सांप्रदायिक है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।